गाइज़ बस ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही प्यार बनाए रखो यार। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग बहुत सारा प्यार दिखाते हो, तो भाई दिल हमारा ना बहुत ही खुश होता है, क्योंकि भाई अब जब आप लोग प्यार दिखाते हे गाइज़ गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। आज मैं फिर से अपनी शॉप पे आ गया हूँ सुबह सुबह, क्योंकि मैं आज जा रहा हूँ मार्केट। आप लोगों को तो पता ही होगा ये हमारी शॉप है। गाइज आज मैं फिर से अपनी G900 कावासाकी G900 फिर एक बार मैं अपनी शॉप पे लेके आया हूँ। क्यों लेके आया हूँ वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ, क्योंकि मैं आज जा रहा हूँ मार्केट। मार्केट जाने से पहले पहले फिर मैंने एक मेरे दिमाग में जहन आया, क्योंकि यार मुझे अपनी बाइक का ना सीट कवर बनवाना है, बट यार पता है टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो आज मुझे फाइनली टाइम मिला है, देखो बाइक भी लाया हूँ मैं शॉप पे, आप लोगों को एक बार बाइक भी दिखा देता हूँ। ये देखो है ना बाइक बहुत प्यारी है गाइज। एक बार पता है ना सबसे बड़ी बात यह है, जो हमारी ये बाइक है ना G900, आप लोग सोच के कमेंट करके बताना है इस बाइक का मैं क्या नाम रखूं, क्योंकि अभी तक मैंने अपनी बाइक का नाम नहीं रखा, बस ऐसे ही जो भी है। ये देखो नॉर्मली एक सुकून डाल दिया था, क्योंकि भाई सुकून ये देखो जो सुकून लिखा है ना ये, बट मैंने ऐसे ही लिख दिया। क्यों लिख दिया मैंने ऐसे ही? क्योंकि जब मैं ऐसे चलाता हूँ ना तो मेरे दिल को ना बहुत ज़्यादा ठंडक मिलती है, सुकून मिलता है, क्योंकि भाई सारी टेंशन हमारी खत्म हो जाती है बाइक चलाने के बाद में। तो मैंने ऐसे ही सुकून रख दिया। गाइज आप लोग कमेंट करके बताना इस बाइक का क्या नाम रखूँ, एक अच्छा सा नाम बताना जो भाई तहलका मचा दे, तहलका तहलका भी और ऐसी तैसी कर दे भाई सिस्टम के साथ साथ, है ना। चलो गाइज देखो एक दो तीन मैंने सीट कवर की फोटो देखी है, फोटो दिखाता हूँ मैं पहले आप लोगों को, ठीक है। ये भी सीट कवर प्यारा लग रहा है, ये देखो साइड से ना ये न्यून कलर की जो पट्टी आई है ना, ये भी बढ़िया लग रहा है। तो ये पट्टी होगी, ये होगी, देखो ये भी अच्छा लग रहा है, बट ये नहीं है कि मैं यही करवा लूँगा। और एक दूसरा भी आप लोगों को दिखाता हूँ गाइज, ये देखो ये भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, क्योंकि ये देखो ये जो G900 लिखा है ना, ये G900 उसके नीचे मैं सोच रहा हूँ ना उसके नीचे 69 बाइकर लिखवा दूँ अपने यूट्यूब चैनल का नाम, बहुत ही बढ़िया लगेगा ना, क्या बोलते हो आप लोग? गाइज ये देखो बुलेट के जो लैग गार्ड होते हैं, लैग गार्ड भी खत्म हो रहे, एक साइलेंसर पड़ा है बस, छोटा पंजा, दो चार बुलेट के लैग गार्ड भी लाने मुझे। देखो जो स्प्लेंडर के लैग गार्ड है वो सारे के सारे हैं, सारे के सारे स्प्लेंडर के हैं। और वैसे क्या कहते हैं नॉर्मली आफ्टर मार्केट वाले जैसे पैशन प्रो स्प्लेंडर में नॉर्मली जो साइलेंसर लगते हैं ना, दो तीन साइलेंसर वो भी लेके आऊँगा। गाइज एक सबसे बड़ी बात पता है ना गाइज, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना, वीडियो बनाने के बाद अगर जब मैं थक भी जाता हूँ तो फिर सोचता हूँ यार, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है ना तो वो मुझे इतना बहुत सारा प्यार कर रही है, हमारे व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। गाइज ऐसे ही प्यार बनाए रखो, सपोर्ट करते रहो यार। गाइज मैं अपनी बाइक में क्या कहते हैं गाइज, जो हमारी G900 बाइक है ना, मैं इस बाइक में ना किसी को काम नहीं करवाता हूँ, किसी को जो भी काम होता है मैं खुद अपने आप से करता हूँ। जो भी हमारी G900 में काम होता है मैं खुद अपने आप से करता हूँ। क्यों नहीं करवाता? क्योंकि जो लड़के होते हैं ना वो उल्टा सीधा काम करते हैं और मुझे मजा नहीं आता। चलो अपनी सीट खोलते हैं, चाबी ला दें सबसे। ये देखो बाइक की चाबी हो गई, चलो अब सीट खोलते हैं फाइनली। गाइज ये देखो यहाँ चाबी लगती है इसकी, ये ऐसे चाबी लगाई, इसे मूव कर दिया और ये देखो सीट निकल गई, ये देखो सीट निकल गई, एक ये सीट हो गई, ठीक है। जो ये देखो सीट कवर है ना, ये क्या कहते हैं सीट है ना, सीट पे ये जो एक पट्टी लगी है ना, तो यहाँ लिखवा दूंगा 69 बाइक का यूट्यूब चैनल का नाम, बहुत ही प्यारा लगेगा, क्योंकि G900 नहीं लगाऊंगा, G900 तो सभी लिखवाते हैं, कोई फायदा नहीं। चलो एक सीट निकल गई, ये दूसरी सीट ना बहुत ही आराम से निकल जाती है और खींचना पड़ता है, ये देखो इसे खींचने के बाद और यहाँ से ऐसे ये उठा। गाइस देखो खुलने के बाद में कैसी लग रही है, देखो यहाँ बैटरी है, खुलने के बाद में ऐसा लग रहा कुछ है ही नहीं है, और कितना नीचा हो गया ये देखो, ये इतना नीचा है, ये इतना ऊपर है, ये देखो। ताऊ भी देखो हमारे बहुत ही प्यार देख रहे, ताऊ हाय बोलो। ये भी आ जाते हैं हमारी दुकान में बैठने कभी कभी, क्योंकि ये ना घर पे मन नहीं लगता तो आ जाते हैं बस ऐसे ही। चलो गाइस ठीक है अब चलते हैं, मिलते हैं आगे, अब चल रहे हैं सीधा मार्केट, यहाँ से अब निकलेंगे, ठीक है। टाइम भी हो गया, टाइम कितना हो गया टाइम भी दिखा दूँ मैं आप लोगों को, ये देखो 9:59 बज गए, देखो 10 बज गए, फाइनली 10 बज चुके हैं। अब चलो अब यहाँ से निकलते हैं, अब मिलते हैं सीधा मार्केट में, ओके बाय। यार पता है चार मंजिल के ऊपर चढ़ने के बाद में ना मना कर रहे हैं कि भाई ऐसा तुम्हारा सीट कवर नहीं बन पाएगा, क्योंकि यार ये ना सीधा मुंबई से आता है ऑर्डर होके, क्योंकि इनके पास वो मशीन ही नहीं है काम करने वाली। मैंने कहा चलो भैया अभी एक दो जगह और पता करते हैं, अगर वहाँ मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर ऐसे ही नॉर्मली करवा लूँगा। गाइस मैं फाइनली आ गया हूँ मार्केट से, बहुत सारा सामान लेके आया हूँ। देखो यार बहुत बुरी हालत हो रही, बाल बाल कितने बुरे हो रहे हैं ना, अभी मैंने पानी से बढ़िया तरीके से धोया है, चेहरे को भी धोया है, बालों को भी धोया है, क्योंकि भाई
धूल मिट्टी इतनी उड़ती है और भाई इतनी गर्मी हो रही है, आप लोग सोच भी नहीं सकते इतना बुरा हाल हो जाता है यार। सामान आ गया मेरा प्रॉपर, देखो सीट वीट भी आ गई है, देखो सामान है सारा कुछ, ये देखो क्या कहते हैं, ये देखो रूट्स के हॉर्न भी आए हैं, एक भाई ने मंगाए थे ऑर्डर से, क्योंकि रूट्स के हॉर्न में बहुत ही कम लाता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा चालान होते हैं और ये महंगे भी आते हैं, तो उस वजह से मैं बहुत ही कम लाता हूँ ऑर्डर से, सबसे ज़्यादा लाता हूँ। वैसे भी मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मिलते नहीं, मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो सामान क्या है, ये देखो सीट है, सीट भी अभी मैं आप लोगों को खोल के दिखाता हूँ। ये देखो ज़्यादा कुछ नहीं करवाया, देखो ब्लैक है, ब्लैक करवाया, ये आउटलाइनिंग है ना, ये देखो ये मरवा दी मैंने येलो कलर की, जिस कलर की हमारी बाइक है, ठीक है। ज़्यादा नॉर्मल जो जो लिखा हुआ होता है ना सिस्टम, जो मैंने आप लोगों को बताया था लिखा हुआ, वो पता है उसकी डाई होती है वहाँ, यहाँ करोल बाग में, पूरी दिल्ली में किसी के पास है ही ना, समझो। एक ये हो गई, एक ये देखो दोनों सीट कवर लग गए हैं बढ़िया तरीके से, प्रॉपर तरीके से बढ़िया लग रही है, क्योंकि मैंने मैट लगवाया है, मस्त लग रही है, एक नंबर की अभी है और ये छोटी वाली है, दोनों बढ़िया तरीके से लगवा दें, क्योंकि नंबर क्या कहते हैं, मैंने सोचा था इस पट्टी पे ना अपना वो YouTube चैनल का नाम लिखवा दूंगा, वो कहने लगे भाई सबकी डाई होती है और एक डाई कम से कम 100 पीस बनते हैं, तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो कोई नहीं ऐसे ही। वैसे तो मेरा यूट्यूब चैनल नाम कम से कम 4 से 5 जगह मेरी बाइक पर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो गाइस लगाते हैं फाइनली, ठीक है, देखते हैं लुक इसका कैसा आता है। बढ़िया प्रॉपर तरीके से मैंने लगा दिए दोनों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और ये हमारे देखो पड़ोसी तो मजा आ यार, तुम बड़ा परेशान होते हो यार, देखो ये हमारे पड़ोसी हैं, सारी वीडियो देखते हैं हमारी और फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, सब कुछ करते हैं, और ये कहते हैं भैया ऐसे ही लगे रहो तुम्हारा सारा सिस्टम हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई बनाते रहेंगे टेंशन मतलब, ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके, बी सेफ राइड सेफ।